तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पपैया को अच्छे से धो लेना है और इसे हमें एक अलग से प्लेट पे निकाल लेना है। प्लेट पे निकालने के बाद में हमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और इसको कट करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें इसको इसके जो अंदर के जो बीज हैं उनको निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं हमने सारे इनके जो बीज हैं उनको निकाल लिया है, प्लस इसके जो ऊपर का जो छिलका है, जो ऊपर की जो परत है उसको भी हमें हटा लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसके ऊपर की परत को हटा लिया है और इसको छोटे छोटे हिस्सों में इक्वल लेवल पे हमें इसे कट करना है। ये आप देखिए हम इसका जो शेप और साइज़ है वो एक ही रख रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से इसको कट करना है। कट करने में आपको इसके बाद में क्या करना है, आपको इसके बाद में इसे ट्रे पर लगा देना है। इस तरीके से आपको ट्रे पर रख देना है। यह आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी कई पपैया को ट्रे पर रख दिया है और इसे इस तरीके से हमें रखना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने सारे पपैया को ट्रे पर रख दिया है और रखने के बाद में ये आप देख सकते हैं ये सोलर ड्रायर पर ये अपने आप सूख रहे हैं। ये इस तरीके की हमारी सोलर ड्रायर मशीन है जिसमें हमारे सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सूखते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रोसेस इसका चालू हो गया सूखने का। और ये आप देख सकते हैं ये सूखने के बाद में इस तरीके से हमारे पपैया खाने के लिए तैयार है। तो अगर आप ये पपैया ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल मिल जाएगी, आप इसको वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।